लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तमाम हालात और बयानात को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत मुलजिम अजय मेहरा को ताजीरात हिंद दफा 302 के तहत मुजरिम करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है। ये तुम्हारी रोटी छोटी होती जा रही है और दाल पतली। हाय, इतने टाइम से अपन के साथ है पर किसी से कुछ बोलता नहीं यार। इसकी खामोशी बहुत कुछ बोलती है वरदा। कोई सपना था? हकीकत है। हम उस हकीकत से वाकिफ हैं अजय। हम सबके गुनाहों की बुनियाद भी उसी हकीकत पर रखी है जिसका तुमने अभी जिक्र किया। यह है मितवा। अपन तो अपने को फुटपाथ बेच मिला था, दुनिया की गाली गलोच दुत्कार खा पीकर बड़ा हुआ। 20 साल में 13 हाव मर्डर करने के बाद 2-3 को फुल चटका दिया तो कौन सा गुनाह किया? क्या बोलता बाप? वर्धा, वर्धा राजन, अपन साला मद्रास से आया था इंसानियत, मेहनत और ईमानदारी का पोटला लेकर, लेकिन साला इस बंबई शहर ने अपन से वो सब छीन कर पकड़वा दिया, पिस्तौल, बंदूक और चाकू फिराने के वास्ते। राजन बैरी, कभी सोचा था कि डिग्री लेने वाले यही हाथ डकैती डालेंगे, खून करेंगे? मगर किया है। जिंदगी से हमें भी कुछ शिकायतें हैं मेरे दोस्त, मगर समझौता करना पड़ता है। धीरे धीरे ये उंगलियां इन सलाखों को पकड़ने की आदी हो जाएंगी। ये दीवारें, ये छत, हमदर्दी की रोशनी फेंकता हुआ ये रोशनदान, ये सब मिलकर तुम्हारे उस कल को भुला देंगे जिसने तुम्हें ये आज दिया है कि
कैसे भूल सकता हूं मैं उस कल को? नहीं भूल सकता। सब ठीक ही तो था। बंधी है मेरी
बिना जीना भी है क्या जीना है, तेरे बिना जीना भी है क्या जीना। तू ही मेरा दिल, तू ही मेरी जान, तू जहाँ जहाँ मैं वहाँ वहाँ। तू ही मेरा दिल, तू ही मेरी जान, तू जहाँ जहाँ मैं वहाँ वहाँ। वर्षा, तुम्हारा घर आ गया। आज मैं अपने घर जाऊंगी। क्या मतलब? मतलब साफ है, लड़की का असली घर उसके प्रियतम का घर होता है। होता है, होता है, मगर शादी के बाद होता है। और शादी कब होगी? होगी होगी, बहुत जल्द होगी, अवश्य होगी। वो क्या है कि हमारे देश की समस्या जरा सुलझ जाए, हमारे होने वाले बच्चों का फ्यूचर समझ में आए। वो करेंगे क्या, बनेंगे क्या, जाएंगे कहाँ? ओफो अजय, तुम हर बात को मजाक में ले लेते हो, कभी तो सीरियस रहा करो। तुम्हारा क्या है, भैया हैं, भाभी हैं, सब कुछ है, और मैं जब से मम्मी डैडी गुजरे हैं एकदम अकेली, और तुम हो के। वर्षा, तुम्हें क्या लगता मैं समझता नहीं? देखो ना भैया, बड़े गर्म मिजाज के आदमी है, मैं भाभी के साथ मिलकर रामा जमा लूंगा, बस कल ही बात करता हूँ। तुम्हारा ये आजकल बहुत दिनों से चल रहा है, मैं ऐसा करती हूँ खुद जाकर बात करके तुम्हारा हाथ मांग लूंगी। अरे वर्षा, ऐसी गलती मत करना, मेरी भाभी को तो एक सुंदर सीधी सादी शर्मीली बहू चाहिए। सुंदर सीधी सादी शर्मीली बहू चाहिए, वो सब तो मैं हूँ। हाँ वो तो है तू, तो फिर चलो बात करते हैं। अरे वर्षा, डोंट बी सिली, ये कोई छोटी सी बात नहीं है, इट्स अ बड़ी सी बात। आई नीड टाइम, आई नीड वक्त, आई नीड समय। 24 घंटे एक दिन में क्या होगा पागल, 24 चलेंगे 24, 18, अरे नहीं नहीं 18 पापा पापा, 15, 13। नहीं भाभी नहीं, अब मुझसे देखा नहीं जाता, लाइए मैं आपकी मदद करता हूँ। अरे क्या कर रहे हो, छोड़ो। कितना काम करती हैं आप भाभी, आपका हाथ बटाने के लिए कोई तो चाहिए। हाँ मैंने कांता भाई से कह दिया है, वो कल से आ जाया करेगी। कांता भाई, अरे भाभी ऐसी गलती मत करना आप। अरे भाभी, हमें कोई पराया नहीं, कोई अपना चाहिए जो अपना समझ के काम करे, समझ रही है ना आप? हाँ समझ गई, तुम किसी से प्यार करते हो, अपने भाई से कहने से डरते हो, चाहते हो कि मैं बात करूं, यही ना? वाह भाभी वाह, जैसी सूरत वैसे ही दिमाग पाया आपने, क्या ग्रेट भाभी। समझ गई, देखने में कैसी है? कौन? वो खूबसूरत है भाभी, बहुत खूबसूरत है। आपके मुकाबले में कुछ भी नहीं, आप कहाँ और वो कहाँ, कामकाज के लिए ठीक है, वैसे भी मैं कहाँ कहाँ अपने लिए बोल रहा हूँ, मैं तो आपके लिए बोल रहा हूँ, जो आपकी सेवा करे, आपकी मदद करे। हाँ सब समझ की बात करूंगी, तो चलिए ना भाभी। है भाभी, बुजुर्गों ने कहा है कि जो काम कल करे सो आज कर, जो आज करे सो अब, चलना भाभी। अरे बाबा करूंगी। तो बरखुरदार को प्यार हो गया है, और वो शादी करना चाहते हैं, गुड, अच्छा रहेगा, आप भी यही चाहती होंगी? जाहिर है, कहाँ है आपके लाडले इस वक्त? यही है, बुलाओ। अजय थोड़ा प्यार से बुलाओ। अजय नहीं आया? अजय, 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 आपने बुलाया भैया? सुना है आप जवान हो गए।
आपको किसी से प्यार हो गया और आप शादी करना चाहते हैं? नहीं नहीं भैया, वो भाभी भाभी करना चाहती थी। नहीं नहीं भैया, भाभी कह रही थी। क्या कह रही थी? कि उन्हें हाथ बटाने के लिए कोई चाहिए, तो मैंने कहा कांता भाई को ले आओ। वो कहती है कांता वांता भाई नहीं चलेगी, उन्हें कोई अपना चाहिए, अपना। और भैया मुझसे कहती है शादी कर लो, मुझसे कहती है शादी कर लो, कहती है कि बहू ले आओ, बहू बहू भैया बहू बहू। मगर भैया मैंने कहा ये तो मेरे खेलने कूदने की उम्र है। शाबाश। लेकिन ये मानने को तैयार नहीं। मैंने कहा राम भैया के बिना पूछे लक्ष्मण भैया कोई काम कर सकता है? वेरी गुड। मिसेस सीता जी और श्रीमान लक्ष्मण जी, ये आप लोग अपनी रामायण कीजिए बंद, और जो मैं कहता हूं वो ध्यान से सुनिए। वो क्या कह रहे थे तुम? प्यार भैया। हाँ, वो प्यार व्यार का चक्कर जो है अपने दिमाग से निकाल के बाहर फेंको। फेंक दिया। देखो इसे बॉक्सिंग चैंपियन बनना है, गोल्ड मेडल जीतना, तुम्हें शादी के चक्कर में सब धड़ा धड़ा ले जाएगा। धड़ा धड़ा ले जाएगा। आप तो इस तरह डांट रहे हो जैसे इसने कोई गुनाह किया हो। और नहीं तो क्या? अच्छा तो आपने क्या किया था? मैंने क्या किया था? हा? मुझे छेड़ने के लिए आधी आधी रात को गाड़ी का हॉर्न बजाकर पूरी सोसाइटी की नींद खराब करते थे। भैया आधी रात को सोसाइटी में? भाभी मैं तो जल्दी वापस आ जाता हूँ, है ना? नहीं, नहीं। और इसी चक्कर में एक दिन अरेस्ट भी हो गया था तुम्हारे राम भैया। अरेस्ट? क्या करिए यार, आप जेल भी गए थे? झूठ बोले यार। झूठ बोले? गुप्तान के लिए छुड़ा था इनको, और तब इन्होंने मुझसे कहा था मेरी जान तुम्हारे प्यार में जेल क्या चीज है, जानी मन मैं तो हंस कर सूली पे चढ़ जाऊँ। डायलॉग भी भैया। नहीं नहीं क्या, इसके सूली पे चढ़ जाऊँ तुमसे शादी करके? मैम क्या इसे चाहता हूँ कि ये भी वो क्या क्या, क्या है? सूली पे? हाँ सूली पे ना चढ़े। वो सब मैं नहीं जानती हूँ, पहले घर में बहू आएगी बस। सुनो ये बॉक्सिंग चैंपियन बनेगा, कभी बनेगा कि नहीं? घर में बहू आएगी। अरे ये बॉक्सिंग चैंपियन बनेगा, पहले घर में बहू आएगी बस। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, ये बॉक्सिंग चैंपियन बनेगा। बहू आएगी? देखो इस लड़के में दम है। बहू आएगी? ये बॉक्सिंग चैंपियन बनेगा। अरे बोला ना बहू आएगी। हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन, बॉक्सिंग चैंपियन, बॉक्सिंग चैंपियन, बहू आएगी। ऑर्डर ऑर्डर। भाई अशोक क्या चल रहा है ये सब? अंकल अच्छा हुआ आ गए, अब आप ही फैसला कीजिए यहाँ। एक मिनट अशोक, सबसे पहले तो ये कोर्ट कचहरी नहीं, मेरी भांजी का घर है। और मैं यहाँ पर बैरिस्टर गुप्ता नहीं अंकल गुप्ता हूँ, समझे आप? कैसी हो इंदु? ठीक हूँ अंकल। गुड। हाँ जय, कैसी चल रही है तुम्हारी प्रैक्टिस बेटा? यही तो अंकल, प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है इनकी प्रैक्टिस, लेकिन वो बॉक्सिंग की नहीं जी, प्यार मोहब्बत इश्क मुगले आजम हो गई ये। और ये आपकी भांजी मेरी पत्नी, इनके साथ देखिए क्या कर रही है। ये क्या चक्कर है इंदू? बिलॉर्ड मैं चाहती हूँ इसे इसका प्यार दे दिया जाए। आई सी। क्योंकि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ रहा है, और अजय की जिंदगी में वो औरत इसके प्रेमिका है। भाई अशोक इनकी बात ठीक है, मेरे ख्याल से लड़की को देख लेना चाहिए। क्या 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 कह रहे हैं अंकल आप? अंकल यू टू आई टू अशोक, बट रहने दीजिए अंकल। यार मैं तुम्हारी तरफ से बात कर रहा हूँ। अपने भाई के सपने के आगे अपने इकलौते प्यार को कुर्बान कर दूंगा। अच्छा ओए ओए देवदास, ओंकार ओए बहुत हो गई एक्टिंग, बंद करिए सब ड्रामा। हाँ जरा हम भी तो देखे वो मीनका कौन है जिसके चक्कर में हमारा फौलाद जैसा भाई मोमबत्ती बन गया। आप मान गए? क्या मान गए? मान गए मान गए, बिल्कुल बिल्कुल सचमुच। हाथ मिलाइए। थैंक यू भाभी, थैंक यू अंकल, थैंक यू भैया, थैंक यू भैया भाभी। लड़का बड़ा कंफ्यूज्ड है और जल्दी में भी है, लगता है शादी करके ही आएगा। क्या हुआ? क्या भैया भाभी मान गए? बोलो ना क्या हुआ? बोला क्या था, एक बार फिर मुगले आजम हो गया। मुगले आजम? हाँ, प्यार का नाम सुनते ही भैया आग बबूला हो गए, बादल की तरह गरजे, मैं बिजली की तरह कड़का, भाभी सावन की तरह बरस पड़ी। भैया ने बंदूक उठा ली, मैंने सीना था उनकी बंदूक, मेरा सीना, मेरा सीना उनकी बंदूक, आगे भी तो बोलो ना। भाभी के आंसू, गुप्ता अंकल की हाय हाय, मैंने कहा प्राण जाए पर वचन ना जाए, वचन जो तुम्हें दिया था दिया था। अरे लेकिन फिर क्या हुआ? गोली अर्श पर, बंदूक फर्श पर, लब खुले,
यानी कि वो मार गए ओह जय दस ग्रेट दस सिंपली ग्रेट डार्लिंग तो फिर सिनेमा चले सिनेमा के बच्चे जरा सीरियस हो जाइए कल के मैच के बारे में कुछ सोचा है मैच के बारे में क्या सोचना हाँ क्या सोचना है हाँ? मैच यूनिवर्सिटी चैंप टीनू के साथ है टीनू अरे टीनू हो या पीनू की फर्क पड़ना मेनू कुड़िए फर्स्ट राउंड नॉकआउट सर, I'm sorry, मेरी बात सुनिए सर, पहले मेरी बात सुनिए सर, let me explain to you sir, सर मेरा भाई मुझे मार डालेगा सर, accidentally I did like this sir, सर ऐसा तो होता ही रहेगा सर, मेरी बात सुनो, तुम्हें टूर्नामेंट के लिए सिलेक्ट किया, भगवान जानता है कैसे सिलेक्ट किया, लेकिन you have to go to camp, Bangalore camp for training, ये है तुम्हारा ऑर्डर, और मुझे भी तुम्हारे साथ जाना पड़ेगा, बड़ा मजा आएगा सर, वर्षा हमारी शादी का परमिट आप भी सिलेक्टेड फॉर द टूर्नामेंट चैंपियनशिप शादी इंदु प्लीज कैसे समझाऊं तुम्हें किस दौर से गुजरना हूं मैं बिजनेस में नुकसान क्या हुआ है सबने मुंह फेर लिया है दोस्त रिश्तेदार सबकी पहचान हो गई है आज कर्ज चुकाने के लिए मुझे मुझे जो कुछ करना पड़ रहा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था पता नहीं इस दलदल से निकल भी पाऊंगा या नहीं तुम साफ साफ क्यों नहीं बताते क्या बताऊं ये जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है तुम बात को सिर्फ पकड़ कर बैठ जाती हो क्यों नहीं पकड़ कर बैठ जाऊंगी तुम मुझे नहीं बताओगे तो और किसे बताऊंगा मैं तुम्हें नहीं पूछूंगी क्या बात है भैया भाभी कुछ नहीं अरे ये क्या रे भैया मुझे टूर्नामेंट के लिए सेलेक्ट कर लिया है और बैंगलोर ट्रेनिंग के लिए जाना है अरे वारे मेरा चंप मैंने कहा सुनती हो सुना है क्या सुना है अरे अपना अजय जो है ना ये देखो अपना अजय चैंपियन बनने वाला है चलो ना कहीं घूमने चले मैं नहीं जाऊंगी अरे भाभी ऐसे कैसे हो सकता कि आप नहीं चलेंगी आपको तो चलना पड़ेगा हम तो आपको उठाकर अरे भैया आपकी भाभी तो एक मन की हो गई है भाभी होगी तेरी मेरी तो मेरी भाभी जो भी होगा देखा जाएगा सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा कल के लिए आज को ना खोना आज ये न कल आएगा सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा जो होना होगा होगा वही सोच के तू क्या पाएगा खुशी साथ हम सब इससे बड़ी क्या खुशी थोड़ा मुस्कुराओ थोड़ा गुनगुनाओ इसका है नाम जिंदगी साथ हम सब इससे बड़ी
क्या खुशी, कोई न जाने कब आ जाए घड़ी बिछड़ जाने की। दस खत का जवाब सिर्फ नौ खत? क्यों वर्षा, तुम किससे डरती हो? जमाने से? अरे जमाने की तो ऐसी सर, सर, हम सॉरी सर, सॉरी सर। अरे ओह, अरे अरे बाबा, तुम्हारे वजह से मेरे को इतना मार पड़ा रिंग के बाहर जितना करियर में मेरे को रिंग के अंदर नहीं पड़ा था। Sorry, sir. What sorry? What do you mean sorry? Look, you better behave yourself, I tell you. Otherwise, I will send you back to Bombay. No, sir. No, sir. I'm sorry, sir. I'm sorry, sir. train. Go on, thank train. You, thank you. अरे बापरे, इसके पास आना ही खतरनाक है. Hi, Ajay. Hi, Varsha. मैंने कहा hello. नहीं, सपना है, सपना। अजय, वर्षा, नहीं, it can't be. Hit me. मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। अच्छा ये बता, तुमने मेरे 10वें लेटर का जवाब क्यों नहीं दिया? मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। सरप्राइज? How nice. मैं यही सोच रहा था कि अचानक अपना कोच टपक पड़ा। कोच? अपना कोच? Look, you better behave yourself, I tell you. Otherwise, I will send you back to Bombay. Pana, who are you?
किसे मिलने आई हो? अच्छा? आपको नहीं जानता क्या? गोवा? अरे वर्षा चली जाऊंगा, इतनी दूर बंबई से बैंगलोर मिलने आई हूँ सिर्फ तुम्हें। अरे आप चांद से क्यों ना आई हो? मैं आपको नहीं पहचानता, नहीं पहचानता, आपको नहीं पहचानता। जिम की कोई डिसिप्लिन है कि नहीं, लड़की ले आता है। गोवे वे 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 ठीक है, जाती हूँ, गुड बाय। आ जाए, हाउ डेयर यू। थैंक गॉड तुम मिल गई वर्षा, तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने। ओ वाइट अप, माफ कीजिए मैंने आपको पहचाना नहीं। कमान वर्षा, इतने दिनों के बाद हम दोनों मिले हैं, थोड़ी सी प्यार भरी बातें। कमाल कर रहे हैं आप, ये फुसल फुसल क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं आप? तो धीरे बोलो वर्षा, धीरे। सब लोग घूर कर यही देख रहे हैं, उस गंजे को तो देखो, यहाँ आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है, और उस मोटे ने तो खाना ही छोड़ दिया और इधर ही देख रहा है। मोटा मोटा गंजा, गंजा किसको कह रहे? कौन मोटा कौन गंजा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। गंजा किसने बोला? अरे नहीं 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 भाई साहब, हम तो गंजा पंछी की बातें कर रहे थे। और मोटा मुझे किसने कहा? ना ना ना, मोटा आपको, वो मोटा मुझे कहती है, प्यार से कहती है ना डार्लिंग। आप तो दुबले पतले, आप खाना खाइए, खाना खाइए। परवाही की, खा ले खा ले। वर्षा वो जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है ना, कितने प्यार से बातें कर रहे हैं, और हम दोनों। अगर एक जवान लड़की और बुढ़े का रोमांस आपको अच्छा लगता है तो उनसे जाके कहिए, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? किसने कहा मुझे बुढ़ा? अरे भाई साहब, हम तो बुढ़ापे की अपने बुढ़ापे की बातें कर रहे थे, है ना वर्षा? क्यों पिटवाना चाहती है वर्षा? अब तो इसने मुझे छू भी लिया। हाँ, इसने मुझे छू लिया। नहीं नहीं नहीं, क्या हो रहा है इस शहर में? यहाँ कोई शरीफ आदमी नहीं, कोई मर्द नहीं जो इस अबला की रक्षा कर सके? ये कब से मुझे परेशान कर रहा है, कोई कुछ कह नहीं रहा। क्यों हो रहा है? सत श्री अकाल पाजी, तुसी बैठो बैठो बैठो। असीता प्यार दिया गल्ला कर रहे सी, है ना वर्षा जी? की कौन औरत छे? किछु नोय बाबू मोशा, किछु नोय। ए मां के बालो भाषे, बालो भाषे। एना नरक दंगे ओनु मिले स्वामी, ओनु मिले खा दिल, खा दिल। सोते हो डिकरे? सुकल छे। कहीं नहीं बाबा, कहीं नहीं, ही मने प्रेम करे छे। प्रेम? तमे बेसी जाओ, बेसी जाओ। तमे पण बेसो नी, बेसो नी, बसी जाओ वर्षा, बसी जाओ। कौन है वे? माता श्री, क्या ये दुष्ट आपको कष्ट दे रहा है? ना 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 ना, मैं दुष्ट नहीं भीम जी, मैं तो इस कन्या का होने वाला वर हूं। प्राणेश्वरी, कह दो भीम जी से कि तुम मुझे प्यार करती हो, कह दो। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। कह दिया कह दिया कह दिया कि मुझे प्यार करती है। बिल्कुल नहीं करती। क्षमा प्रभु, कन्या नादान है। वर्षा जी, एक तरफ भारत और दूसरी तरफ महाभारत, अब भी वक्त है, कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। नो, तुमसे नो, नो नो नो, प्लीज। मैं तुमसे प्यार नहीं करती, कृपया आप रास्ता देंगे? प्लीज, थैंक यू। वर्षा जी, कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तुम्हें कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अब पता चलेगा बच्चू कौन हूँ मैं। अली का शरारती है। वो तो ऐसी मजाक करती है, बहुत प्यार करती है मुझसे। मुझसे करती हो जो उनसे नो, प्यार तो मुझसे करती हो जो उनसे नो, मरती हो मुझ पर मरती हो जो उनसे नो, इनका
करती हो जो उनसे नो, मरती हो मुझ पर मरती हो जो उनसे नो, इनकार में इकरार है ये प्यार है, बोलो हाँ हाँ छोड़ो ना ना। नहीं नहीं नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। प्यार तो मुझसे करती हो जो उनसे नो। जहाँ जहाँ जाएगी मैं आऊंगा वहाँ, भागेगी कहाँ ये सारी दुनिया है गोल, पीछा तेरा छोड़ू ना, बोल भी दे अब हाँ 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 हाँ। अरे बाबा बोलो ना, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। छोड़ो गुस्सा जाने दो डोंट से नो, दिल से दिल मिल जाने दो डोंट से नो, इनकार में इकरार मुझसे करती हो जो उनसे नो। देखो 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 कैसा प्यारा है समा, दिल के दीवाने मिले खुल के यहाँ, तोड़ के दिल यू ना रूठ के जा, वरना कसम तेरी दे दूंगा जा, थम जाए ना दिल ये जवा, बोल भी दे अब हाँ 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 हाँ। लोगो सुनो सुनो जरा मेरी दास्तां, प्यार में गुजरी के मुझ पे यहाँ, जान मेरी लेके भागे मेरी जा, लुट गया मिट गया मर गया। हद हो चुकी करना दुखी, बोल भी दे अब हाँ। देखो पट गई रे।
अपने ओपनिंग की गेम को ऑब्जर्व करो। अरे भैया व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज भैया, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। ये क्या हाल बना रखा आपने? हाँ बिल्कुल फिट हुआ। तू कैसा है रे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक, एकदम फिट भैया। बात क्या भैया? अजय मैं तुझसे एक जरूरी बात कहने आया हूँ। कहिए। अजय हरी अप। कमिंग सो। भाभी कैसी है भैया? सब ठीक है। अजय बात ये है कि क्या बात है भैया? तू जब शाम को मैं तुझसे बात करता। भैया आप ठहरे कहाँ हैं? होटल ड्रीमलैंड। ठीक है, रात का खाना साथ में खाएंगे। ओके सॉरी सर, मिस्टर अशोक मेरा चेकआउट हो गया सर दोपहर को। दोपहर को? जी हाँ। देखिए मैं उनका भाई हूँ। यस। मेरे लिए कोई मैसेज छोड़ गए हैं वो? मैसेज? आई एम सॉरी सर, नो मैसेज। ऐसे कैसे जा सकते हैं? कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं। हो सकता है कोई जरूरी काम आ गया हो, कहीं अचानक जाना पड़ा हो। लेकिन उनको मुझसे कोई जरूरी बात करनी थी। तो फिर फोन कर लेंगे। आपका फोन है बंबई से। हेलो हेलो। अजय बोल रहा है बेटा, मैं अशोक। हाँ भैया कैसे हैं आप? बिना बताए चले गए। हाँ बेटे, बेटे मुझे तुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलिए। सुन रहा है ना अजय, मैं बहुत परेशान हूँ। परेशान? भैया बात क्या, बताइए ना। अजय। हाँ भैया बोलिए। हाँ हेलो 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 हेलो। यहीं से तो फोन आया था उनका। बॉम्बे से? हाँ कुछ कहना चाहते थे, लाइन कट गई। लाइन कट गई? वो बॉम्बे में है, घर नहीं आए, कुछ तो बात होगी। भाभी। अजय मेरा मन बहुत घबरा रहा है। उस दिनों से वो बहुत परेशान थे, कह रहे थे उन्हें वो कुछ करना पड़ रहा है जो वो करना नहीं चाहते। करना नहीं चाहते? आप लोगों ने मुझे पहले कुछ बताया क्यों नहीं? उन्होंने मुझे कहा साफ साफ बताए, हम ये बताकर तकलीफ नहीं देना चाहते थे, बस अकेली। भाभी भैया आ जाएंगे, हो सकता है किसी जरूरी काम के लिए बाहर गए हों। मैं पता लगाता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। और उनके आते ही हम दोनों मिलकर इतना डांटेंगे कि उन्हें याद रहेगा। मेरी भाभी को इतना रुलाते हैं वो। हाँ कैन आई स्पीक टू मिस्टर गुप्ता प्लीज? अजय वहां का कोई नंबर आपके पास? ठीक है, थैंक यू। गुप्ता अंकल 8-10 दिन के लिए दिल्ली गए हैं। मैं लंबे टाइम से उधर काम पे था साहब। अभी कुछ दिन से अशोक साहब बहुत परेशान रहता था साहब, पर हमको ऐसा सुनने में आया साहब कि अशोक साहब और बलवंत राय साहब मिलकर कुछ धंधा चालू किया था। वो तो हमको नहीं मालूम, मगर हमको 3 महीने का पगार देकर छुट्टी किया साहब। मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि मिस्टर राय कोई मामूली आदमी नहीं है, वो अशोक मेहरा जैसे कई आदमियों का भला करके भूल जाया करते हैं। फिर भी मैं उन्हें याद दिला दूंगा। वैसे 2 महीने तक तो उन्हें सांस लेने की भी फुर्सत नहीं। कहिए। जी उस दिन जब वो मुझे मिले बहुत परेशान थे। ए कामले, वो पोसर साहब मेरे सर पर चढ़ के बैठा है। वो जो जुलूस का परमिशन दिया था ना, वो कैंसिल कर दिया है। साले कामचोर। वो काफी परेशान थे। 2 दिन बाद उनका फोन भी आया और फोन पर भी मुझे यही
हाय सटाणी की पार्टी कैसे रही? बहुत अच्छा यार। मुरारी आया था? आया अपनी बीवी के साथ, वही लाल रंग की चोली, पल्लू और भोसले साहब साथ ले गए। अच्छा और अपने राणे साहब है ना, बेचारे जल के राख हो गए। Will you listen to me, इंस्पेक्टर? आपकी कहानी मैं सुन चुका हूँ। मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा इंस्पेक्टर, मैं तो एक रिपोर्ट लिखाने आया था कि आपका भाई लापता है, यही ना? मिसिंग स्क्वाड के इंचार्ज मिस्टर पाटिल है, आप अपनी रिपोर्ट उनको लिखवाइए, मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं। चलो ना। आपका काम मैं देख रहा हूं इंस्पेक्टर, आप शायद ये भूल रहे हैं कि ये वर्दी, ये कुर्सी आपको हमारी सुनने के लिए मिली है। आप यहां बैठे हैं हमारे लिए, और ये तरीका आपका हमसे बात करने का? साहब यही जो लड़का है, इसके लिए बोला था ना, जो कल कॉलेज के लफड़े में था, पढ़ाई कम और घर ज्यादा करता है, उसे तो साला अपने को कानून सिखाता है। नो सर, एक्चुअली मैं तो अपने दिल और दिमाग पर कायम रखना, कल यही आंसू क्रांति का सैलाब बनकर इस मुल्क की सारी गंदगी को बहा ले जाएंगे। ऐसे पुलिस वालों को तो बीच सड़क पर गोलियों से भून देना चाहिए। आइडिया तो अच्छा है। मैं मजाक कर रहा हूं? मजाक बिल्कुल नहीं, सोच रही हूँ गोलियां चलाएगा कौन? मैं चलाऊंगा। मैं 2 घंटे पुलिस स्टेशन में बिठा रखा, ना बात करने की तमीज ना जिम्मेदारी का एहसास, और ऐसे लोग हमारी हिफाजत करेंगे, बहुत सुरक्षित है हम लोग यहाँ। ओफो, अब छोड़ो भी ये गुस्सा। अच्छा बताओ, जहाँ वो काम करते थे वहाँ से कुछ पता नहीं चला? हाँ, कोई बलवंत राय के साथ काम करते थे वो, उन्हें मैं 3 दिन से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, पता चला उन जनाब के पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं। बलवंत राय? वो राय इंडस्ट्रीज के मालिक, उनसे तो तुम कल मिल सकते हो। आप लोगों का प्यार, आदर और सत्कार देखकर मेरा दिल भर आया। मैं जानता हूं कि इन बच्चों को पैसे और हमदर्दी से ज्यादा प्यार की जरूरत है, लेकिन मैं शर्मिंदा हूं कि वो प्यार, वो समय मैं इन्हें नहीं दे पाता हूं। और मैं आपसे क्या कहूं, पहले मेरी तरफ से ये 5 लाख रुपया एक छोटी सी भेंट इस संस्था को। थैंक यू सर, थैंक यू। बच्चों पे खर्च करते हैं सर। सर हमारी संस्था ने बहुत सारे नेक काम किए हैं, अनाथ बच्चों के लिए किताबें बांटी। मुझे उनसे मिलना है, कल ऑफिस में मिल लेना। एक्सक्यूज मी सर। यस। मेरा नाम अजय मेहरा है, मैं अपने भाई अशोक मेहरा के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। कम भाई अशोक हमारे साथ काम जरूर करता था, लेकिन कुछ महीनों से हमारी उसके साथ कोई डीलिंग्स नहीं हुई। पता नहीं, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई तुमने? हाँ, मगर जानता हूं हमारी पुलिस में बस मैं कमिश्नर साहब से खुद इस बारे में बात करूंगा, यू डोंट वरी। थैंक यू सर। साला तुम लोगों को माल में वो पहला माफी कन्नाटा नहीं रहा, ग्राहक लोग खरीदता टाइम रोता है, बोलता है साला तुम लोगों को माल में दमिच नहीं है। क्या बात है डेका,
सर कुछ नहीं सर, वो माल के बारे में बात कर रहा सर। वेरी गुड माल सर, एक्सीलेंट कंडीशन सर। सर गुजरात में आपका माल का बहुत डिमांड है, थोड़ा सप्लाई बढ़ जाए तो मजा आ जाए। मुश्ताक का क्या हुआ? सर उसको अंडरग्राउंड कर दिया। क्या मतलब? सर 7.5 फुट नीचे जमीन के लटा दिया, खड़ा होगा तो भी मुंडी बाहर नहीं निकाल सकता। देखा, ऊंची आवाज में बात मत किया करो। सर शोर हमें पसंद नहीं। मेरे बड़े भाई अशोक मेहरा हैं, यहाँ अक्सर आया करते थे। नहीं जी, ये यहाँ नहीं आते। भाई साहब, आप इन्हें पहचानते हैं? जी नहीं पता। कहीं देखा हो? जी नहीं। शराब पिलाओगे? तो यो, शराब पिलाओगे? अब गलत आदमी से बात कर रहे हैं। तुम्हें तलाश है ना किसी की? जानता हूँ जानता हूँ। आप जानते हैं अशोक मेहरा? हाँ, है? मेरे भैया हैं। पैसे कितने? पैसे कितने हैं? आप मेरे भैया को कैसे जानते हैं? इतने से क्या होगा, मैं और ला दूंगा। पहले ये तो बताओ मेरे भैया कहाँ हैं? चलो आओ मेरे साथ। कौन कौन? इसे मेरे पट्टे से लड़वा। चल हट, हवा आने दे। ये ले भाई तुम्हारे पैसे, ये ले तुम्हारे पैसे, ये ले तुम्हारे। इसे मेरे पट्टे से लड़वा। ये शेर है शेर। वो बबर शेर है। यानी तेरा पट्टा जीता तो 10 का 40 का भाव दूंगा, और अगर मेरा पट्टा हारा तो मैं 10 का 300 दूंगा। टन टन डना डन डन। साहब चलो तैयार हो जाओ। ये क्या हो रहा है? खेल हो रहा है, गेम। मुझे तो आपे लगा रहे हैं। बंद करिए तमाशा, वरना कुछ नहीं मिलेगा। मुझे मारने से कुछ नहीं मिलेगा, उसे मारो तो पैसे मिलेंगे। मैं नहीं लड़ूंगा, किसी कीमत पर नहीं। अपने भाई के लिए भी नहीं? मैंने तुम्हें कहा ना, कल और पैसे ला दूंगा। कल कल किसने देखा है सरकार? आज की बात करो, अभी की। ओके, नो प्रॉब्लम, जैसी तुम्हारी मर्जी। मुझे मालूम है तुम जीतोगे, तुम एक अच्छे बॉक्सर हो, पता है मुझे, अशोक ने बताया था, और ऐसी बातें मैं भूलता नहीं हूं। ऑल द बेस्ट। एक ही भटके में आ गया। कहाँ 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 पैस कहाँ? अरे 5 रुपए बाकी हैं अभी।
कहीं का नहीं रहा। जिन्होंने कर्जा दिया था वो जान के पीछे पड़े थे उसकी, और वो अपनी जान बचाने के लिए हमारे साथ हो लिया, मतलब काम करने लगा हमारे साथ। लेकिन वो तो मिस्टर बलवंत राय के लिए काम करते थे। आई नो बलवंत, मिस्टर बलवंत राय, हम दोनों ही साथ काम करते थे उसके लिए। अशोक का सारा कर्जा चुकाकर उसने खरीद लिया था उसे, और अशोक की कंपनी की आड़ में अपना धंधा फैलाने लगा। कैसा धंधा? मौत का धंधा, ड्रग्स, नशीली दवाइयों का बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है बलवंत राय। यहीं इसी जगह उसका लाखों का माल जमा होता है। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारा भाई भी सच्चाई से घबराया करता था। बात हो गया, बस बलवंत राय, मैं इस दलदल से बाहर निकलना चाहता हूं। और फिर अभी मैंने तुम्हारा कर्ज भी तो उतार दिया है। मेरी राय मानो बलवंत राय, तुम ये सब कुछ बंद कर दो। मेरी राय मानो अशोक, कुछ दिनों के लिए बाहर घूमाओ। और हाँ अशोक, वो पेटी कामरान को दे देना। मोहिले, कामरान से कहो कि वो फाइलें और कागजात जला दे। फिर कुछ दिनों के लिए वो कहीं चला गया। मुझसे बोला भाई से मिलने जा रहा हूं। हाँ, मुझसे मिलने आए थे वो, लेकिन क्या वो फिर तुमसे मिले नहीं? मिला एक दिन इसी जगह, फिर मिला इस जगह। और कोई जगह भी तो नहीं थी मिलने की, यही दुनिया थी हमारी, यहाँ के बादशाह थे हम। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं यहाँ बैठा था, वो वहां जहाँ तुम बैठे होगी। ए बकवास करता है तू, हाँ? पांचो उंगलियां एक जैसी नहीं होती। तू अजय को नहीं जानता, मेरा भाई जरूर आएगा। मैंने यहीं से कॉल बुक किया, मैं उसको बोलूंगा बेटा मैं बहुत परेशान हूं, मेरी परेशानी सुन के वो दौड़ के चला आएगा। अशोक बाबू, आपका कॉल लग गया है। देखा मेरा कॉल लग गया। अब उसको बोलूंगा और फोन चलाएगा। हेलो, कौन? अजय बेटा, मैं अशोक बोल रहा हूँ, मैं बंबई से बोल रहा हूँ। देखो, हेलो, तू सुन रहा है ना बेटा, मुझे तुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी है बेटा, मैं बहुत परेशान। देखा, अशोक को छोड़ दो। बताओ वो पेटी कहाँ है? नहीं बलवंत राय, वो कागजात तेरे गुनाहों के सबूत हैं। अब तेरे चेहरे से शराफत का मुखौटा बहुत जल्द उतर जाएगा। बस करो। अगर तो अशोक ने पेटी के बारे में बता दिया है तो मारा गया होगा, और अगर नहीं बताया है तो लटका होगा जिंदगी और मौत के बीच। चलो ले चलो मुझे कहा भैया के पास लेते हैं। चुपचाप खिसक चलते हैं यहाँ से। कौन है ये? मेरे भाई को तुम नहीं जानते, इसे इस जहनुम का मालिक है ये। तू नीचे आता है, मैं ऊपर आऊं। बलवंत राय का खास बहुत स्ट्रांग और डेंजर आदमी है। उस दिन ये भी था। आ जा नीचे, अब तेरे मुक्के का जवाब मैं दूंगा। आ जा। तो
कोई साला बीच में नहीं आएगा। सब साला अपनी अपनी जगह से इसकी मौत का तमाशा देखना। साले का खून बहुत गर्म है ना, इसका खून अभी ठंडा करता हूं मैं। किसी बड़े आदमी का नाम बीच में मत लो। कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत तो आपके सामने उठा लेंगे, उठा लेंगे उस आदमी को। सबूत मिल जाएगी, उसकी लाश बैठ के पंचनामा करना। ए, मेडल देगी सरकार आपको। ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, हम पुलिस वाले। झक मारती है पुलिस, उतार कर फेंक दो ये वर्दी और पहन लो बलवंत राय का पट्टा अपने गले में। अंधेर नगरी है ये, बस ऐसे गरीब कमजोर लोगों पर दिखा अपनी मर्दानगी। वर्दी का रोब इन्हीं के हाथों को बांध सकती है तुम्हारी हथकड़ियां, बलवंत राय के नहीं। जाकर दो महिलाना उनके सामने तलवे चाटना, बोटियां फेंकेंगे बोटियां। अच्छा कर रहे हैं इंस्पेक्टर, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम, बहुत तरक्की मिलेगी तुम्हें, मेडल्स मिलेंगे। अरे भाग कर कहाँ जा रहे हो? बात सुनो मेरे, I will drag you to the court, you gotta pay for this. प्रमोद शरण गुप्ता, जो हर तबके के लोगों की समस्याएं सुलझाता आ रहा है, जिसके पास बड़ी बड़ी कंपनीज, स्टेट और देश के मसले आते हैं, उसे अपने घर के मामले की खबर नहीं। अशोक गायब है और किसी ने मुझे बताया तक नहीं। आप दिल्ली में थे इसलिए मैंने सोचा कि। क्या सोचा तुमने? कोई केस क्या मेरे लिए बच्चों से बढ़कर है? फोन कर सकती थी तुम मुझे। अंकल भाभी ने तो कहा था लेकिन मैंने ही। आपने जरूरी नहीं समझा क्योंकि अब आप बड़े हो चुके हैं और कल रात ये जो आपने समझदारी पुलिस स्टेशन में दिखाई, ये आपको कानून के किस लपेटे में ले लेती इसका अंदाजा है आपको? अगर मैं यहां न होता तो ये बेचारी
तुम्हारी जमानत के लिए कहां कहां हाथ पैर मारती? अंकल मैं आपको सब कुछ तो बता चुका हूँ। इंदु चाय ले आओ। लाई। अंकल आप मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करते? मैं सच कह रहा हूँ, बलवंत राय बहुत बड़ा स्मगलर है, भैया उनके कब्जे में है, उनकी जान को खतरा है, हमें जल्द से जल्द कुछ करना चाहिए। अजय, नहीं तो तुम उस शराबी की बातों पर यकीन करते हो जिसे तुम जानते तक नहीं हो, जबकि अशोक तो हमेशा बलवंत राय जी की तारीफ करता रहता है और उन्होंने कई बार अशोक की मदद भी की है। मदद की है? मदद क्या, वो तो एक साजिश थी भैया को जाल में फंसाने की। किसकी बातें कर रहे हो तुम? नहीं कुछ नहीं, देखो अजय अशोक के लिए मैं कुछ कम परेशान नहीं हूँ, बेटा है मेरा, उसे तलाश करने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, मगर तुम जोश और जज्बात में आकर कोई ऐसा कदम मत उठाना जिससे मामला उलझ जाए। मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा, अशोक जल्दी आ जाएगा। सबको देख लिया मैंने, सबको, वक्त पर कोई काम नहीं आता वर्षा। गुप्ता अंकल कहते हैं कमिश्नर से बात हो गई है, इंक्वायरी हो रही है, जांच कर रहे हैं, कुछ नहीं, बस एक महीने से यही तमाशा दिख रहा हूं मैं। पता नहीं भैया किस हाल में है, क्या बीत रही होगी उन पर। वर्षा मुझे उनकी चीखें सुनाई देती हैं, उन्हें मेरी जरूरत है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। बलवंत राय, हाँ मैं बलवंत राय से मिलूंगा अभी और भैया के बारे में सब जान के रहूंगा। नहीं नहीं अजय, मालूम नहीं क्यों मेरा मन घबरा रहा है, मेरे ख्याल से तुम्हारा इस वक्त बलवंत राय से मिलना ठीक नहीं होगा, पहले गुप्ता जी से बात कर लो। मुझे किसी की जरूरत नहीं वर्षा, जो करना है खुद करूंगा। कम ऑन वर्षा, समझने की कोशिश करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अपना ख्याल रखूंगा। अजय I'm so worried। मुबारक हो मिस्टर राय, हमें बहुत खुशी हुई इस साल भी आप चुने गए। थैंक यू, ये तो आप लोगों का प्यार है, वरना मैं किस काबिल हूँ। मिस्टर बलवंत राय, he really deserves it. Yes. आपसे कुछ बात करनी है। तीसरी बार चुने गए। मोहिले से मिल लो। मुझे आपसे बात करनी है। हाँ तो क्या कह रहे तुम? हाँ बिल्कुल। अपने कॉन्ट्रैक्ट की बात कल ऑफिस आ जाना। कल नहीं अभी। एक्सक्यूज मी। अच्छा। इस तरह पार्टी में आकर मेरा भाई कहाँ है? वो आया नहीं अभी तक। मैंने तो मोहिले से कहा था कि कमिश्नर से। इससे पहले कि मैं इन शरीफ लोगों के बीच तुम्हारा तमाशा बना दूं, शराफत से बता दो मेरा भाई कहां है। बेटर, हनीफ को भेजना। देखो अजय, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। तुम्हारी ऊंची शख्सियत और शरीफाना लिबास के पीछे छुपे शैतान को मैं पहचान चुका हूं। नहीं अजय, तुमने अभी मुझे पहचाना नहीं। जो जिंदगी मुझसे टकराती है वो सिसक सिसक कर दम तोड़ती है। ये गीदड़ भपकियां किसी और को देना बलवंत राय। अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो मैं तेरा वो हशर करूंगा कि तुझे अपने पैदा होने पर अफसोस होगा। और तेरे ये पालतू कुत्ते जिन्हें देखकर तूने भौंकना शुरू किया है, ये उस वक्त तेरे आस पास भी नजर नहीं आएंगे। यू छोड़ो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। हरामजादे, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। बलवंत राय, अगर कल सुबह तक मेरा भाई वापस नहीं आया, मैं तेरा खून पी जाऊंगा साले, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। ले जाओ इस गुंडे को। काम कर रखा तूने? पता नहीं कहां से दारू पीकर आ जाते हैं। क्या लिया? अरे छोड़ो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। सॉरी जेंटलमैन, आई एम सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। पुलिस आ गई।
Come here, gentlemen! Come here! क्या हो रहा है सब? कौन थे वो लोग? है उसी कमीने के कुत्ते? अकेले तो क्या बकता है? कमिश्नर साहब है। कमीज से बात कर। साहब यहाँ के पुलिस कमिश्नर हैं। क्या बात है? मेरा नाम अजय है सर। एक महीने से मेरा भाई लापता है। मैंने पुलिस में भी रिपोर्ट लिखवाई, मगर कुछ हुआ नहीं। और जब मैंने खुद उस आदमी का पता लगाया जिसने मेरे भाई को किडनैप कर रखा है, तब भी पुलिस कुछ करने को तैयार नहीं। अब आप ही बताइए सर, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? कौन है वो, क्या नाम है उसका? बलवंत राय, ये भी उसी के आदमी थे। देखो तुम्हें बहुत चोट लगी है, किसी दवाखाने में ये घाव मेरी जान नहीं लेंगे सर। आप ये बताइए कि आप मेरी मदद करेंगे ना? मैं कल ही एसीपी भोंसले से बात करूंगा कि वो इस मामले की पूरी जांच करें। जांच करेंगे? ये जांच और कार्रवाई का नाटक पिछले एक महीने से देख रहा हूँ। वहां मेरे भाई की जान खतरे में है, कभी कुछ भी हो सकता है, और आप कहते हैं जांच करेंगे? Come on, Commissioner, this is your job, Commissioner. Look, Mister, पुलिस के अपने कायदे और तौर तरीके होते हैं। हम किसी सबूत के बिना किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। चलो ड्राइवर, फिर भी तुम कल एसीपी भोसले से मिल लेना। अब ये शहर रहने के लायक रहा नहीं। तुम्हारे भैया के आते ही हम लोग कहीं दूर चले जाएंगे, जहां शांति हो। मेरी आज भी गुप्ता अंकल से बात हुई, वो कमिश्नर साहब से मिले थे। उन्होंने कहा तुम्हारे भैया जल्दी आ जाएंगे, और कह रहे थे तुम ज्यादा परेशान ना हो। तो क्या करूं मैं? हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाऊं? किसी का क्या गया है? भाई मेरा खोया है, मेरा। कोई कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा कोई। अंधे बहरों का शहर है ये, पत्थर है ये सब के सब। या तो बस सर फोड़ा जा सकता है। एक महीने से पागलों की तरह घूम रहा हूं मैं, पागलों की तरह। क्या पता वो है भी या नहीं। अजय, सर अशोक मेहरा ने जो कागज छुपा के रखा था वो आप उनको मिल गया है। बोलो तो सारे को अंडरग्राउंड कर दूं। मैं तुम्हारे जोश की तारीफ करता हूँ। अगर मेरे भाई को कुछ हुआ मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सेंट्रल पार्क में तुम अभी अपने भाई से मिल सकते हो। बहुत जोश है ना तुम में? अब वही जोश तुम अपने भाई तक पहुँचने में दिखाओ। अजय, अजय, Thank you.
दिया मेरे भाई को बलवंत राय। अरे कोई सुन रहा है? मेरे भाई को मारकर फेंक डाला, कोई सुन रहा है क्या? मेरे भाई को मारकर फेंक डाला, मेरे भाई को मारकर फेंक डाला। अरे मर गए हो क्या सब के सब? मेरे भाई को मारकर फेंक डाला। भैया को मार दिया अंकल, भैया को मार दिया। पर तुम बोल कहां से रहे हो? सेंटर पार्क के टेलीफोन बूथ से अंकल, अंकल उन्होंने भैया को मारकर फेंक दिया। मैं क्या करूं अंकल, मैं क्या करूं? हेलो, हेलो, तुम घबराना नहीं अजय। जल्दी आओ अंकल। हाँ मैं आ रहा हूँ। अंकल जल्दी आओ। वहीं पर रुके रहो। हाँ को संभालो इंदु। अजय, अजय को क्या रिस्क किया? बोल, तूने अपने भाई का खून किया है। बोल, कहा तूने अपने भाई का खून किया है? बोल, 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 तूने भाई का खून किया है? खून कबूल कर। ये क्या कर रहे हो शर्मा? होश में आओ। बैठे साला, छोड़ दो इसको। पागल हो गया क्या? जैसे मार दो किसी। पकेगा ये। बोल कदम। बोल नहीं तो छोड़ दो इसको। सुनूंगा। अजय ये कुछ भी कर सकते हैं, जैसा भी चाहता है बयान दे दो उसे। मुझ पे भरोसा रखो, मैं हूं ना अदालत में, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ओके, मुझसे कहो। बोलो। जाओ बशीर खान, जाओ किसी नाटक कंपनी में भर्ती हो जाओ, बहुत तरक्की मिलेगी तुम्हें, अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। ये एक्टिंग कैसी लगी? रिश्वतखोरी और मक्कारी ने तुम लोगों के जिस्म में मां के दूध के असर को खत्म कर दिया है। खोखले हो गए हो तुम सब के सब, नामर्द हो। जी तो चाहता है लेकिन नहीं, उससे तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी, मेरी नहीं। तुम्हें तो सड़ सड़ के मरना है जेल की चार दीवारियों के बीच, और मैं तुझे सजा दिलाकर आऊंगा। बहुत पछताओगे इंस्पेक्टर, अगर तुमने मुझे जिंदा छोड़ दिया तो बहुत पछताओगे। मिलोर्ड, मुलजिम अदालत का वक्त जाया कर रहा है, जबकि तमाम सबूतों, बयानात और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स के मुताबिक यह साबित हो चुका है कि मुलजिम ने ही मकतूल अशोक मेहरा का कत्ल किया है। यह मासूम चेहरे वाला अपराधी केस को उलझाने की कोशिश में बलवंत राय जैसे नेक इंसान पर झूठे इल्जाम लगा रहा है। इसी कटघरे में खड़े होकर इसने कानून और अदालत की भी तौहीन की है। अब मैं एक ऐसे अहम गवाह को पेश करने की इजाजत चाहता हूं जिसका इंतजार इस अदालत को पिछली दो तारीखों से है, खासतौर से मुलजिम अजय मेहरा को। इजाजत है श्री प्रमोद शरण गुप्ता को पेश किया जाए।
वो नाम है मिलॉर्ड जिसे किसी तारुफ की जरूरत नहीं, जिनका नाम कानून की दुनिया में बड़ी इज्जत से लिया जाता है, जिन्होंने कानून को कई नए आयाम दिए हैं, कई बेहतर मिसालें कायम की हैं। मिस्टर गुप्ता, इस केस से मुतालिक जो बातें हैं वो आप अदालत को बताएं। मकतूल की बीवी मेरी भांजी है, इसलिए मैं इस परिवार के बहुत नजदीक रहा हूं। अशोक और अजय में झगड़े तो अक्सर हुआ करते थे, मगर इसका अंजाम कत्ल तक पहुंचेगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। जब 7 नवंबर को अजय का मेरे पास फोन आया कि उसके हाथों अशोक का खून हो गया, ये क्या कह रहे हैं आप? तब भी मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने देखा अशोक की लाश लिए अजय। मिलॉर्ड, अजय चाहता था कि मैं उसके किए पर पर्दा डाल दूं। झूठ बोल रहा है ये, बकवास कर रहा है। Yes, my lord. This is an absolute lie. ये एक बहुत बड़ी साजिश है। It is a conspiracy to frame a... Order, order. आप समझते क्यों नहीं? अजय बेगुनाह है। देखिए मिस, आपको जो कुछ भी कहना है विटनेस बॉक्स में आकर कहिएगा। Now you please sit down. आशा, ये क्या कह रहे हैं अंकल? भगवान से तो डरिए। जज साहब, अब इनके बातों पर यकीन मत कीजिए, ये झूठ बोल रहे हैं। बिक चुका है ये भी जज साहब, खरीद लिया इसे भी बलवंत राय ने, मिले हुए हैं सबके सब। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर गुप्ता, क्या आप उस बात पे रोशनी डालेंगे जिसकी वजह से ये कत्ल हुआ? मिलॉर्ड, ये बात कहते हुए मुझे बड़ी शर्म महसूस होती है, लेकिन कोई भी पति यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी पत्नी के किसी गैर मर्द के साथ संबंध हो। अदालत को सब कुछ साफ साफ बताइए मिस्टर गुप्ता। मुलजिम अजय और उसकी भाभी के बीच नाजायज संबंध है। गुप्ता! गुप्ता! मैं तुझे अपाहिज बना के छोड़ूंगा। चल उठ, उठ। को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत मुलजिम अजय मेहरा को ताजीरात हिंद दफा 302 के तहत मुजरिम करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है। हे भगवान, कैसी पापन है ये, देखने में तो बड़ी भोली लगती है। देवर तो बेटे के समान होता है, ये तो वाकई समाज के नाम पर कलंक है, इसे तो डूब मरना चाहिए। हाय रानी, कैसा जमाना आ गया। छी छी छी। अरे ऐसी औरत को तो समाज से बाहर निकाल देना चाहिए। हाँ हाँ, इस औरत को समाज में रहने का कोई हक नहीं। देवर के साथ ऐसा रिश्ता, छी, भाभी तो माँ के समान होती है। घोर कलयुग आ गया है, ऐसी औरत को डूब कर मर जाना चाहिए। अरे ये औरत नहीं, डायन है, डायन। भाई के हाथों भाई का खून करवा दिया। मुलजिम अजय और उसकी भाभी के बीच नाजायज संबंध है। मुलजिम अजय और उसकी भाभी के बीच नाजायज संबंध है। Thank you.
ये खत अजय के नाम छोड़ गई है। अजय, इस जालिम दुनिया में ऐसे नाजुक मोड़ पर मैं तुझे अकेले छोड़कर जा रही हूँ, मुझे माफ कर देना। अगले जन्म में मैं तुझे अपने कोख से पाना चाहती हूँ। ये कर्ज तुझे उतारना होगा, भगवान तेरी रक्षा करे। साथ है अजय, इस लड़ाई में हम तुम्हारा साथ देंगे। ये लड़ाई मेरी है। सिर्फ जज्बातों से ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती। बलवंतराय के सामने तुम अकेले नहीं। अकेले ही लड़ूंगा मैं। क्या बात करता है दोस्त, अपना भी कहता है और अपना मानने से इनकार भी करता है। जिंदगी भर जेल में पत्थर तोड़ने से बेहतर है तेरे जैसे अच्छे आदमी के काम आ जाए। मैं अपने मकसद के लिए किसी और की जान खतरे में नहीं डाल सकता। कौन सी जान काहे की जिंदगी, अपन को तो पहले ही 302 लगा कर अंदर भेजेला है, कभी भी लटका देगा। मैं तो कहता हूँ पहले मौके मिलकर भाग निकलते हैं। ठीक कहता है मितवा। हाँ। बलवंत राय जैसे दो चार को मारने से मैं तो कहता हूँ हमारे सारे पाप धुल जाएंगे, फिर नया लाइफ शुरू करते हैं। और बिल्कुल, अपने अपने किसी कोने में जाकर सेटल हो जाते हैं। तुम लोग समझते क्यों नहीं अजय, अब मान भी जाओ अजय। 5 साल हो गए इस नर्क में झुलसते हुए, 5 साल। अब तक जो कुछ भी किया, अच्छा बुरा, सब अपने लिए। हो सकता है तुम्हारी इस लड़ाई में शामिल होकर हमारी जिंदगी के कुछ मायने निकल आए। अब जिद मत करो अजय, हाथ मिला ले दोस्त। हाँ, कल रात के तूफान से जेल को आने वाली कच्ची सड़क, वही भारी रास्ता, वो बंद हो चुका है। उसमें जेल की चंद गाड़ियां भी फंस चुकी हैं। वार्डन ने कहा है कि कुछ कैदियों को ले जाकर रास्ता साफ करवा दो, तो हमने चारों का नाम लिखवा दिया। हाँ। है जाने की तैयारियां हो रही हैं। चल मितवा। हाँ।
न्यू बॉम्बे वाशी एरिया में चौकसी रखो और तुम कात्रे के संपर्क में रहो। मुझे हर 10 मिनट में वहां की रिपोर्ट चाहिए और तुम जेलर से मिलकर उनके बारे में और डिटेल्स मालूम करो और तुम ट्रैफिक कमिश्नर से मेरी बात करो। इनमें से 3 पेशेवर अपराधी हैं जिन पर कई केसेस चल रहे हैं। चौथा क्या नाम है उसका, फिर वो अपने भाई के कत्ल केस में सजा काट रहा है। जेल के बाहर उन्होंने 5 गार्ड्स को इंजर्ड भी कर दिया। तो फिर उनके पास हथियार भी होंगे। 2 गन स्नैच करके भागे हैं। गार्ड से? उन्हीं गार्ड से। ये हैं एसीपी जो डिसूजा। ये केस मैं इन्हीं के सपोर्ट कर रहा हूँ। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन क्या है? सर वो शक्तिमान ट्रक लेकर पोखरण जंगल की तरफ गए हैं। जेल से उन लोगों की तस्वीरें आई। और कोई डिटेल? नो सर। वहाँ मेरे भाई की जान खतरे में है, कभी कुछ भी हो सकता है और आप कहते हैं जांच करेंगे? Come on, Commissioner, this is your job, your job, Commissioner. पोखरण जंगल। अगर ये लोग बंबई शहर के इतना नजदीक पहुंच गए हैं तो जाहिर है सर कि शहर में घुसने की कोशिश करेंगे और हमें हर हाल में इन्हें शहर के बाहर ही पकड़ लेना चाहिए। अपनी जान प्यारी है वो ये जगह फौरन छोड़ दे क्योंकि कुछ ही देर में सब जल कर राख हो जाएगा। कोई अपनी जगह से नहीं लेगा।
इतना ही बस। खाए से नहीं, नहीं। खाए से मैं मर जाएगा। बलवंत राय के कुत्ते, तुम लोगों के जहर ने ना जाने कितनी मासूम जाने ली हैं, ना जाने कितने घरों को उजाड़ा है इसने। खाए से के पीछे मैंने एक एक दिन, एक एक साल जैसे काटे हैं बलवंत राय। अब मैं आने वाले 24 घंटों में तुम्हारे 24 टुकड़े करके हर टुकड़े का अलग अलग अंतिम संस्कार करूंगा। मुझसे टकराने का अंजाम तुम अच्छी तरह जानते हो अजय। तुम्हारा ये कैप्टन डेका का अड्डा, जहां पर तुमने अपना करोड़ों का माल तबाह कर रखा था, वो सब जलकर राख का ढेर बन चुका है। टेका और तुम्हारे दूसरे पालतू कुत्ते, उन सब की लाशें भी तुम्हें यहीं राख के ढेर में मिल जाएंगी। देखो अजय, चिंता मत करो, तुझे और तेरे बाकी बचे साथियों को भी 24 घंटे में मैं उन्हीं के पास भेज दूंगा, जहन्नम में। ये वादा रहा। अजय, अजय, अजय! लगाओ कि इस शहर में इंद्रा नेयर का कुछ रिश्तेदार है। क्या? अगर है तो मुफ्ती में वहां निगरानी रखो। ओह नो, समझे? आप बेफिक्र रहिए, हमने पूरी तैयारी कर ली है, वो जल्दी ही पकड़े जाएंगे। नहीं नहीं, मैं बंदोबस्त किए देता हूं। उन्होंने मिस्टर रॉय को 24 घंटे के अंदर मारने की धमकी दी है। मिस्टर राय? मिस्टर बलवंत राय बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। इसुदा, मिस्टर राय को मारने की धमकी पुलिस डिपार्टमेंट को चैलेंज है। वो सिर फिरे समझते क्या है? बलवंत राय को नहीं, उन्होंने पुलिस को ललकारा है, पुलिस को। आप इत्मीनान रखिए सर, वो बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। 24 घंटे उनके लिए बहुत कम हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत ज्यादा है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है डिसूजा, बलवंत राय की सिक्योरिटी का बंदोबस्त भी तुम ही करोगे। ओके सर। मामूली छोकरा आधी रात को फोन पर मुझे बलवंत राय को 24 घंटे में मारने की धमकी देता है। कैसा लगा सर? हम उसे बहुत जल्द पकड़ लेंगे, हमारी पुलिस। बकवास बंद करो। तुम्हारी पुलिस, तुम्हारा कानून, तुम्हारी तरह। सलमान, अपने कुछ आदमियों को गुप्ता जी के घर पर लगा दो। कामरान, सारे शहर में जाल बिछा दो, जहां भी छिपा हो उसे ढूंढ निकालो। जिंदा मिल जाए तो ठीक, वरना उसकी लाश लेकर आना मेरे पास। प्यासी जवानी है, रात तूफानी है। प्यासी रात, प्यासी ना भल जाए।
क्या आप उस बात से रोशनी डालेंगे? अदालत को मुलजिम अजय और उसकी भाभी के बीच नाजायज संबंध थे। कामड़े को देखो कहाँ गया है, गेट खुला छोड़कर कहीं भी चला जाता है। लक्ष्मी, लक्ष्मी, गुप्ता जी कहाँ हैं? यही गुप्ता जी हैं। ये गुप्ता सर, 24 घंटे का टाइम दिया था, 8 घंटे में डेका और गुप्ता जी गए, बाकी 16 घंटे में मैं और एक्सक्यूज मी राज साहब, आप हैं एसीपी जो डिसूजा? प्रधान साहब ने यह केस इन्हीं के सपोर्ट किया है। एसीपी मिस्टर डिसूजा हो क्या रहा है इस शहर में? चार खूनी जेल तोड़कर भागते हैं और लाशें बिछाकर चले जाते हैं, आखिर आपकी पुलिस क्या कर रही है? देखिए, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, फिलहाल हमें आपकी सिक्योरिटी को अहमियत देनी है और मुझे उम्मीद है कि आप इस मामले में हमारी पूरी मदद करेंगे। मदद करेंगे? स्पीकिंग डिसूजा है सर। हाँ बोलो डिसूजा। सर, प्रमोद शरण गुप्ता की हत्या कर दी गई। क्या, कब? लगभग 6:30 बजे। उनके साथ कुछ और लाशें भी मिली हैं, विदेशी हथियारों के साथ। उनकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है, मेरा ख्याल है वही चार हैं। सर, इसके पीछे मुझे लगता है सर इसका कोई दूसरा पहलू भी है। फिलहाल प्रमोद शरण गुप्ता, विदेशी हथियार, इन चारों की गिरफ्तारी और बलवंत राय की सिक्योरिटी को अहमियत दो। यस सर। सर, आप ऑफिस कब आ रहे हैं? डिसूजा, मैं आज ऑफिस नहीं आ रहा हूँ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ सर, एनीथिंग सीरियस? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। हेलो, जस्ट अ मिनट। मुझे फोन पर इन्फॉर्म करते रहना बलवंत राय के प्रोग्राम्स के बारे में। यस सर। मैं फिर कहता हूं तुम लोगों से कि कानून से मत खेलो। कानून सोता है ये कानून बलवंत राय जैसे कमीनों के बिस्तर पर, बेच दिया इसे गुप्ता जैसे दलालों ने, और तमाशा देखा है तुम जैसे कानून के रखवालों ने। कानून से मत खेलो। इसी शहर में मैं अपने भाई के लिए दर दर भटक रहा था, पीट रहा था कानून के दरवाजे को, तुझसे भी तो मिला था, याद है? याद है वो बरसात की रात जब मैं सड़क पर लहू लुहान होकर अपने भाई की जिंदगी के लिए गिड़गिड़ा रहा था, याद है? और एक दिन उसी कमीने बलवंत राय ने मेरे भाई को लाश बनाकर सड़क पर फेंक दिया, और तुम्हारे कानून ने मुझे कातिल साबित करके सजा दे दी। अरे लोट, डिसूजा साहब, आपसे एक बात पूछनी थी। वो अजय मेहरा का निशाना बहुत पक्का है क्या? नहीं, कुछ खास नहीं। क्यों नहीं खास? नहीं मतलब गोली दाएं बाएं भी लग सकती है।
अच्छा, आप बलवंत राय जी के या तो दाएं रहते हैं या बाएं, इसलिए जी टेक केयर, गॉड ब्लेस यू जी, गॉड ब्लेस मी, दाएं बाएं जठाएं, नहीं रामू खिड़की बंद रखा करो। साथ हम सब इससे बड़ी क्या खुशी, थोड़ा मुस्कुराओ थोड़ा गुनगुनाओ, इसी का है नाम जिंदगी। साथ हम सब इससे बड़ी क्या खुशी, कोई ना जाने कब आ जाए घड़ी बिछड़ जाने की, घड़ी बिछड़ जाने की। मुझे वहां बुला लेते, मैं कमिश्नर के घर आ जाती, जगह जगह पर तुम्हारे लिए पुलिस लगी है, तुम बाहर क्यों निकले, यहां आकर इतना खतरा क्यों मोल लिया तुमने? भैया भाभी से मिलने आया हूं वर्षा, वो है वर्षा, वो है, यहां की हर चीज में है वो, कितनी खुशियां थी इस घर में। मैं तुम्हारा दर्द समझती हूं अजय। यहां दर्द नहीं वर्षा, आग है, आग, वो कमीना बलवंत राय जो इस तबाही का जिम्मेदार है अब तक जिंदा है, मगर अब वो कल सुबह का सूरज नहीं देखेगा, मैं उसे मार दूंगा, आज ही मार दूंगा उसे। और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? तुमने कभी मेरे बारे में कुछ सोचा है? नहीं अजय नहीं, मैं तुम्हें फिर से नहीं खोना चाहती। और फिर क्या मिलेगा तुम्हें इस लड़ाई से? क्या सब लौट आएगा? क्या ये घर फिर से बस जाएगा? वर्षा, बात सिर्फ मेरे अकेले की नहीं है और ना ही सिर्फ इस घर की है, ना जाने कितने घरों को उजाड़ा होगा उसने, ना जाने कितनी मासूम जाने ली होंगी उसने। मैं मानता हूं कि यह घर फिर से नहीं बस सकता, मगर कई घर
उजड़ने से बच जाएंगे। उस पर नजर रखो। एक्सक्यूज मी, समझते नहीं हो। मिस्टर डिसूजा ने आपको बाहर जाने के लिए मना किया है। अच्छा ठीक है, मैं बाद में। आखिर आप लोगों ने ये तमाशा क्या बना रखा है? यहां मत जाओ, वहां मत जाओ। तो क्या उस छोकरे के डर के मारे मैं घर में दुबक कर बैठा रहा हूं? वो खूनी अजय मेरा ना जाने आजादी से कहां कहां घूम रहा होगा, और मुझे सिक्योरिटी के नाम पर अपने घर में कैद करके रखा हुआ है। बेवकूफी की भी हद होती है। देखिए मिस्टर राय, सुनिए, मेरे लिए ये मीटिंग बहुत जरूरी है। अगर आप मेरे लिए सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं कर सकते तो मैं खुद अपना इंतजाम कर लूंगा। आपके दोस्त बैरिस्टर गुप्ता ने भी अपना इंतजाम किया था हिफाजत के लिए, विदेशी हथियारों के साथ। उसका अंजाम तो आप देख ही चुके हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? अजय मेहरा का जेल से भागने का मकसद है आपको मारना, अपनी आजादी नहीं। इस वक्त भी वो आराम से घूम नहीं रहा होगा, बल्कि आप तक पहुंचने की जी तोड़ कोशिश कर रहा होगा, ये जानते हुए भी कि आप पर हमला करना उसके लिए खुदकुशी करने के बराबर है। मिस्टर राय, जिस आदमी के दिमाग से मौत का खौफ निकल जाए वो कुछ भी कर सकता है। फिर भी अगर आपका मीटिंग में जाना इतना जरूरी है कि आप अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं, तो आपको हमारी प्लान के मुताबिक चलना होगा। अशोक प्रधान स्पीकिंग। कहिए कमिश्नर साहब, अब कैसी तबीयत है आपकी? अब ठीक है, लेकिन यहां कुछ ठीक नहीं है साहब। मेरी सिक्योरिटी के लिए आपने जो पुलिस का बंदोबस्त रखा हुआ है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे एक जरूरी मीटिंग पर जाना है, और आपके ये डिसूजा साहब ये कह रहे हैं कि मुझे उनके साथ टैक्सी में जाना होगा और मेरी गाड़ी में मेरी जगह कोई और जाएगा। कमाल है। देखिए साहब, मुझे सीरॉक जाना है, और ये मुझे खार डांडा से होकर गंदी झुग्गियों में से लेके जाना चाहते हैं। अब आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। मिस्टर राय, आपके और मौत के बीच में अगर कोई खड़ा है तो वो है मिस्टर डिसूजा। वो जैसा कहते हैं वही आपके लिए ठीक होगा। ठीक है साहब, हमारे आने तक इनका ख्याल रखना। साहब ये आप ही का प्लान था, देख रहे हैं क्या हो रहा है? जाइए जरा बाहर, कुछ ट्रैफिक का देखिए। जाइए जाइए, जल्दी जाइए और जल्दी आइए प्लीज। अब आप क्या कर रहे हैं मोहले साहब, चुपचाप बैठिए। जी मैं शीशा चढ़ा रहा था, अभी 24 घंटे में काफी घंटे बाकी हैं सर। आपको क्या लगता है कि इस भरे बाजार में अजय आपके ऊपर हमला करेगा? जी मुझ पर नहीं सर। शट अप। जी बेवकूफ कहीं के। पीछे हटो, पीछे हटो। Thank you.
पीछे कवर करो। बेटा, अजय तू मेरी बात मान, तू निकल जा यहाँ से, तू निकल जा, तू जा यहाँ से, जा। तू हाथ दे बेटा, हाथ दे। जा। तू जा यहाँ से बेटा, तू हाथ दे ना, बेटा हाथ दे। जा बेटा नहीं, बेटा। तूने छाती पर गोली क्यों चलाई? हम उसे जिंदा पकड़ सकते हैं सर, वो भी चलता। चल दो बेटा, चल दो। चल बेटा। चल। Security, plans, bullshit, hopeless system. दिन दहाड़े बीच बाजार में, ये शहर अब रहने लायक रहा ही नहीं। मेरे लंदन जाने का इंतजाम करो। मैं तुमसे कह रहा हूं मोहिले, क्या कर रहे हो तुम? जी जी जी, मैं खिड़की बंद कर रहा था, कहीं गोली ना आ जाए। शराब। जी जी, मैं पहले ही कह रहा था, तुम सबका वही हश्र होगा जो तुम्हारे साथी का हुआ है। तुम कानून से नहीं मौत से खेल रहे हो। तुम जिसे लड़ाई कहते हो वो खुदकुशी करना है। मैं किसी कमिश्नर की हैसियत से नहीं, एक बुजुर्ग की हैसियत से तुम्हें समझा रहा हूं। अभी भी वक्त है, अपने आप को सरेंडर कर दो। जितना बन सकेगा मैं तुम लोगों की मदद करूंगा। हमारे लिए हमदर्दी इस भेजे से निकाल दो, नहीं तो ये भेजा निकाल दूंगा। एक जरूरी सूचना, जेल से फरार चार कैदियों ने शहर में दहशत का माहौल पैदा कर रखा है। आज पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में उनमें से एक कैदी मारा गया जिसका नाम मितवा है। हमारे संवाददाता को पुलिस ने बताया कि उनकी गिरफ्तारी का सख्त बंदोबस्त किया गया है। शहर से बाहर जाने वाले सभी रास्तों पर पुलिस ने पूरी चौकसी रखी है और शहर के कई जगहों पर पुलिस के जवानों की टुकड़ियां तैनात कर दी गई है। पुलिस ने बताया कि इन लोगों ने शहर के बड़े उद्योगपति श्री बलवंत राय को 24 घंटे में मारने की धमकी दी है। इधर पुलिस श्री बलवंत राय की हिफाजत में लगी है। उधर एक मशहूर अखबार ने श्री बलवंत राय को स्मगलर बताया है। बलवंत राय का पर्दाफाश, बलवंत राय का पर्दाफाश, उसे स्मगलर बताया गया। बलवंत राय का पर्दाफाश, बलवंत राय को स्मगलर बताया गया। देशद्रोही हूं मैं और वो जेल से भागा हुआ खूनी इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है। वो हद हो गई, भगवान जाने क्या होगा इस देश का। यहां एक दिन भी नहीं रहना चाहता। लंदन की टिकट का क्या हुआ? मोहले, आप वहां खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? जी मैं ये दरवाजा, क्या सोच लिया तुमने? वो मुझे मार डालेगा? वो आ जाए सारा इस दरवाजे से आकर मुझे मार डालेगा मेरे ही घर में? हाँ, मार डालेगा तो मार भी सकता है। हमारी पुलिस तो सबको सबको देख लूंगा मैं, और इस वर्षा की बच्ची को तो कोर्ट में घसीटूंगा, मानहानि का दावा करूंगा उस पर, किसी को नहीं छोड़ूंगा। छोड़िए मिस्टर राय, यह दावा आपके मान के लिए कहीं और हानिकारक न बन जाए। फिलहाल तो आपको अपनी जान की सोचनी चाहिए, जान है तो दावा भी कर सकते हैं। अब सोचना यह है मिस्टर राय कि हम आपको किस रास्ते किस रूट से ले जा रहे हैं, इसकी जानकारी मुझे आपको और आपके आदमियों को थी, जबकि अजय पहले से ही वहां हमारा आपका इंतजार कर रहा था। पूरे शहर में दहशत फैली है और ऊपर से आपका यह आर्टिकल। अजय मेहरा एक खूनी है जो जेल तोड़कर भागा है और शहर में हो रहे खून खराबे का जिम्मेदार है। ऐसे खतरनाक और हिंसक अपराधी को आपने अपनी कहानी का हीरो बना दिया। ये कहानी नहीं हकीकत है मिस्टर डिसूजा, और इस सब की जिम्मेदार किसी हद तक पुलिस भी है जो एक आम आदमी को अपराधी बनने पर मजबूर कर देती है। अजय, क्या जानते हैं आप अजय के बारे में? बस यही कि वो एक कातिल है, उसने अपने भाई का कत्ल किया है, अपने भाभी के साथ उसके उसके ना। आई एम सॉरी मिस वर्षा, मेरा इरादा आपको ठेस पहुंचाने का नहीं था, मैं तो। आप यही जानना चाहते हैं ना कि मैं अजय को सिर्फ जानती ही नहीं बल्कि समझती भी हूं, और मैं ही गई थी उसे जेल में मिलने 19 दिसंबर के दिन, और आज भी मिली थी।
और ये आर्टिकल मैंने जज्बात में आकर नहीं बल्कि पूरे होश और जिम्मेदारी के साथ लिखा है। वैसे अजय मेहरा से मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं है, उसे गिरफ्तार करके एक तरह से मैं उसकी मदद ही करूंगा, क्योंकि जिस रास्ते पर वो चल रहा है उसका अंजाम आप भी जानती हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि अगर वो फिर आपसे मिले तो आप उसे समझाइए कि वो अपने आप को, हो सकता है वो आपकी बात मान ले, क्योंकि आप उसे सिर्फ जानती ही नहीं समझती भी हैं। थैंक यू। वर्षा भारती जिसने वो आर्टिकल लिखा था अजय की प्रेमिका है, वो आज भी उससे मिली थी सर। पता नहीं डिसूजा साहब ने उसे क्यों छोड़ दिया, अगर मैं होता तो उसे रिमांड में लेता और 2 मिनट में उसे सारी बातें उलवा लेता। बेवकूफ। इतनी सी बात भी नहीं समझ पाए तुम। डिसूजा का फेंका हुआ पत्ता हमारे काम आएगा, हमें भी तो अपनी गेम डिक्लेयर करने के लिए ऐसे ही पत्ते की जरूरत थी। हेलो। हेलो वर्षा जी, मैं जो डिसूजा बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। देखिए ऐसा है कि पुलिस एक कार का पीछा कर रही थी और उसमें 3 आदमी थे, उस कार का एक्सीडेंट हो गया और 3 लोग मारे गए। अब पुलिस का ऐसा शक है कि उनमें एक अजय मेहरा भी था। नहीं नहीं देखिए, पुलिस का ऐसा शक है, हम चाहते हैं कि आप पुलिस स्टेशन आकर पहचान कर सके तो। हेलो हेलो हेलो, पता करो कौन से नंबर पर डायल कर रही है। सर कमिश्नर के घर पे डायल किया है। कमिश्नर के? से बात कर सकती हूँ? हेलो बोलो वर्षा। वर्षा हेलो, स्पीक अप वर्षा। वर्षा अजय, क्या बात क्या है वर्षा? अजय मैं, हाँ बोलो, अभी अभी फोन आया था कि तुम। ओह माय गॉड। हेलो हेलो अजय, अजय कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई? चलो आसपास के सब थानों को खबर कर दो कि प्लेन क्लोज में कमिश्नर के घर को घेर ले। मैं वहीं जा रहा हूं और किसी किस्म की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और सुनो, जहां तक हो सके कोई फायर नहीं करेगा। देखो अभी भी वक्त है, मेरी बात मान जाओ। अगर आपको लगता है कि बलवंत राय को मारकर हम लोग कोई अपराध कर रहे हैं तो हमारे निकलते ही आप दरवाजा खोल दीजिएगा, नहीं तो सूरज ढलने के बाद। हम सूरज ढलने का इंतजार करेंगे बेटे, वरदा ने हमें सब कुछ बता दिया है। सिर्फ मैं ही नहीं, हर माँ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। Thank you.
के जाओ। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं कहता हूं सरेंडर कर दो वरना मारे जाओगे सबके सब। तुम मारे जाओगे इंस्पेक्टर, तुम और हर वो आदमी मारा जाएगा जो बलवंत राय के साथ है। ये लो। नहीं इंस्पेक्टर, मैं बलवंत राय जैसा हैवान नहीं, मैं खूनी नहीं हूं, बेवजह किसी की जान नहीं ले सकता, मैं नहीं ले सकता। देखो अजय, अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है तो मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। तुम मुझे क्या इंसाफ दिलाओगे, तुम्हारा पूरा सिस्टम तो तलवे चाटता है, उसकी गुलामी करता है उसकी। जानते हो जिसकी हिफाजत कर रहे हो वो क्या है? लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना उसका पेशा है। तुम मेरे इंसाफ की फिक्र छोड़ो इंस्पेक्टर, और जाओ अपने कानून की सारी ताकत उसकी हिफाजत पर लगा दो, लेकिन वो बचेगा नहीं, मैं उसे मार दूंगा, आज ही मारूंगा उसे, आज ही। वर्षा, वर्षा, आओ मिस्टर अजय, हम जानते थे कि तुम यहां जरूर आओगे। वर्षा हमारे कब्जे में है, यह तो खेल है मिस्टर अजय, कभी बाजी उधर कभी बाजी इधर। मैंने कहा था ना शर्मा, अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ोगे बहुत पछताओगे। पता वर्षा कहाँ है? महाकाली रोड पुराना राजन, आज साहब, मैंने इसमें बलवंत राय के बारे में सब कुछ लिख दिया है, लेकिन साइन इट। आप मुझे बचा लेंगे ना? घबराओ नहीं, पुलिस तुम्हारे साथ है। मैं मरना नहीं चाहता इंस्पेक्टर साहब। चिंता नहीं करो, साइन इट। शर्म नहीं आती,
वो सरेआम एक पुलिस ऑफिसर को भून कर चला जाता है और कहते हो कि हाथ नहीं लगा। अब हमें अपनी सिक्योरिटी के लिए स्पेशल फोर्स मंगानी चाहिए। नहीं, आज उसने इंस्पेक्टर शर्मा को मारा, कल इंस्पेक्टर शर्मा नहीं सर, अपराधी शर्मा कहिए। तुम कहना क्या चाहते हो सर? ये बलवंत राय के सेक्रेटरी मोहिले का बयान है, ये उनकी काली करतूतों का चिट्ठा है। ड्रग्स, प्रोस्टिट्यूशन, ब्लैक मार्केटिंग, ये उस बड़ी शख्सियत का घिनौना रूप है। हमारे इंस्पेक्टर शर्मा कानून की वर्दी पहनकर बलवंत राय के लिए काम कर रहे थे और हम बलवंत राय को गिरफ्तार करने के बजाय जी जान से उसकी हिफाजत कर रहे हैं। पुलिस ने आज तक उसकी खिलाफत क्यों नहीं की सर? Enough. D'Souza. सच्चाई बहुत कड़वी होती है और यह भी सच है कि मुझे सब कुछ मालूम है, और ऐसा भी नहीं कि मैंने कोशिश नहीं की। मैंने जब भी उसके खिलाफ कुछ करना चाहा तो मुझे बड़ी ताकतों के आगे झुकना पड़ा। उसकी पहुंच ऊपर तक है। और फिर ये मत भूलो कि हम अपने आप में पूरा सिस्टम नहीं, उसका एक छोटा सा हिस्सा हैं। हमारे अधिकार महज एक दिखावा हैं। हमारे बस में कुछ नहीं है, किसी का कुछ भी नहीं। तो अपराधी अजय मेहरा नहीं, हम हैं, और अपराधी है हमारा ये सड़ा हुआ सिस्टम। अजय मेहरा नतीजा है कानून से जुड़े हम जैसे नपुंसक लोगों का। अगर कानून से उसे इंसाफ मिला होता तो आज जो कुछ हो रहा है उसकी नौबत नहीं आती सर। और सर, हम अजय को पकड़कर मारकर इस सिलसिले को खत्म नहीं कर सकते। जब भी कानून के हाथों इंसाफ का खून होगा, एक नया अजय पैदा होगा। माफ कीजिए सर, ऐसे कानून की सेवा करने के बजाय मैं वर्दी उतारकर अजय का साथ देना बेहतर समझता हूं। नहीं किसुसा, तुम जैसे ऑफिसर की इस डिपार्टमेंट को सख्त जरूरत है, और मैं तुम्हारा एहसान मंद हूं कि तुमने मेरे सोए हुए एहसास को जगाया। हम लोग बलवंत राय के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हम उसे सजा दिलवाएंगे, लेकिन कानून के मुताबिक। पर इससे पहले हमें रोकना है अजय को एक और अपराध करने से। मैं तुमसे वादा करता हूं कि अदालत में अजय के लिए जो कुछ बन सकेगा मैं करूंगा, प्रॉमिस। नहीं जानती, नहीं जानती, नहीं जानती। और कितनी बार पूछेंगे ये सवाल मुझसे? मैंने कह दिया ना, मैं नहीं जानती कि अजय कहां है। और अगर जानती भी तो बताती नहीं। बहुत प्यार करती हो उससे। दरअसल मैं उसकी किसी खास कमजोरी की तलाश में था। बहुत खूबसूरत कमजोरी लगी है मेरे हाथ। अब तो मुझे उसे ढूंढने की भी जरूरत नहीं, खुद ब खुद चलकर आएगा मेरे पास। और फिर मैं उस तक पहुंचूं या वो मुझ तक पहुंचे, अंजाम तो एक ही है, उसकी मौत। वो आएगा, जरूर आएगा, और अपने साथ एक ऐसा तूफान लाएगा जिससे तुम्हारी ये मौत की फैक्ट्री रेत के घरौंदे की तरह ढह जाएगी। और ये तुम भी जानते हो, क्योंकि मैं मौत का खौफ तुम्हारी आंखों में देख रही हूं। Thank you.
की मौत का तमाशा देखने वाले, आज तेरी मौत सामने आई तो छुप रहे, बाहर निकल कुत्ता। छोड़ो मैं कहता हूँ।